वेलकम बैक टू मारे फी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूं। तो जनाब यारी, आज हम अपने इस बड़ा ही मजे का टॉपिक लेके आए हैं और किसको एक्सपोज करने वाले हैं और रिएक्शन मैं किसको देने लगी हूं, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि सबसे पहले आप लोगों को मेरा व्लॉग मिल सके। तो जनाब व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं और आज जो मैं रिएक्शन दे रही हूँ वो रजब भाई और डकी भाई के ऊपर दे रही हूँ। आप लोगों ने मेरा पहले भी व्लॉग देखा था जिसके ऊपर मैंने अपना रिएक्शन दिया था, डकी भाई और रजब भाई की फाइट हुई थी, जिसमें रजब भाई ने किया ये था कि उनके भाई को अगवा कर लिया। तो उसके लिए आप स्क्रॉल डाउन कर लें और मेरा वो वाला व्लॉग पहले जाके देखें। ये मैं लिंक दे रही हूँ, यहाँ पर आप लोग क्लिक करें और वो व्लॉग आप लोग पहले देखें कि मैंने उसके ऊपर रिएक्शन क्यों दिया था और क्या पूरी स्टोरी थी। अच्छा जी, तो अब बात आ जाती है रिवेंज की। तो अब आपको पता ही है कि रजब भाई ने डकी भाई के भाई को उठा लिया था, जिसकी वजह से अब उन लोगों के अंदर ये चीज चल रही थी कि इसका रिवेंज कैसे लिया जाए। और क्योंकि मुनीब जो है वो डकी भाई का छोटा भाई है और उसको इन लोगों ने, रजब भाई ने किडनैप किया था वन नाइट के लिए, जिसकी वजह से उन लोगों को पता भी नहीं था। और मैं दोबारा से आपको बता देती कि उनको पता ही नहीं था और रजब भी उठा के ले गए थे। एक छोटी बहुत ही बात हुई थी जो कि एक टिकटॉक के ऊपर एक इनकी वीडियो वायरल हुई थी, जिसपे इन्होंने कुछ छोटी सी बात की थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया और इनके फ्रेंड्स ने इनको उकसा दिया और ये लोग चले गए और इन लोगों ने जाके उनका डकी भाई का भाई जो था वो किडनैप करके हैदर भाई के घर पे सारी रात के लिए रखा था। तो ये बात चल रही थी और इसी तरीके से हंगामा राई हुई और वो व्लॉग जो था वो एंड हुआ, क्योंकि इन दोनों की बड़ी जबरदस्त सी फाइट हुई थी और बहुत वायरल भी हुआ था और इनको बहुत मिलियंस में इन लोगों को यहाँ पर जो है व्यूज भी आए थे। अब हुआ ये कि जब भाई मुनीब, डकी भाई अपने भाई को लेके अपने घर चले गए, तो उसके बाद मुनीब ये चाहता था कि इस चीज का रिवेंज लिया जाए। एक से तो बुखार भी था जिसकी वजह से जनाब वो व्लॉग नहीं बना सके। अब हुआ ये था कि अब व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रजब भाई से। रजब भाई का व्लॉग आप लोगों को पता है कि मोस्टली कैसे स्टार्ट होता है, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट होता है या ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से उनके जो फ्रेंड्स थे हैदर भाई और डोगर भाई, वो रात को उनकी तरफ आए हुए थे और दोनों जो थे वो भी फ्रेंड्स वहां पर थे और रजब भाई भी वहां पर थे। अब ब्रेकफास्ट पे मजाक हो रहा था और एक दूसरे से ये कहा जा रहा था कि हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना है, किसने कर लिया किसने नहीं कर लिया ये बातें चल रही थी। तो मदर से कहा जाता है कि जी हमारे लिए ब्रेकफास्ट अरेंजमेंट किया जाए, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना और उसके बाद हमने निकलना है। तो इसी तरीके से ब्रेकफास्ट आ जाता है और आप लोग देख रहे हो कि ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अजीम मजाक कर रहे हैं और गजल इनकी सिस्टर भी आई होती है और उसको भी छेड़खानी कर रहे होते हैं। जैसे कि रजब भी हमेशा अपनी बहन को ये कहते हैं कि भाई चार दिन हो गए, पांच दिन हो गए, अब तुमने अपने घर जाना है। तो इसी तरीके से मजाक चल रहा होता है और इसी थोड़ी देर के बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करके फ्री होते हैं और उसके बाद ये लोग खड़े होते हैं। तो वो दोनों दोस्त जो हैदर भाई और डोगर भाई हैं वो ये कहते हैं कि रात को आपकी तबीयत बहुत खराब थी, हमने आपको दम करवाने के लिए लेके जाना है, तो चलें हमारे साथ। क्योंकि मसला ये आ रहा था कि उनको बहुत बड़ा पिंपल निकला हुआ है रजब भाई को, जिसकी वजह से उनको फीवर हो गया था। तो ये लोग कार में बैठते हैं और उसके बाद निकलते हैं और निकलने के बाद जी गाड़ी में बैठते हैं। अब ये जा रहे होते हैं कि एकदम इनके ऊपर अटैक होता है। ब्लॉग इन्होंने स्टार्ट लिया सलाम करके और आपको पता है दुरूद पाक पढ़ के ये अपना ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के बाद एकदम ये थोड़ी आगे जाते हैं तो इनकी कार रुकती है और कार को किसी ने आगे से जाके ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से ये अपनी कार को जो है प्राडो को रोक लेते हैं। और रोकने के बाद जनाब होता ये है कि सामने कौन होता है, नन अदर देन डकी भाई होते हैं। और डकी भाई अपने किसी गैंग के साथ, अपने बाबा फ्रेंड के साथ और दो एक्स्ट्रा बंदे थे और साथ उनका एक भाई मुनीब होता है, उसके साथ वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक कुछ इस तरीके से होता है कि दोनों की फाइट होती है, रजब भाई भी बाहर निकलते हैं, उनके फ्रेंड भी बाहर निकलते हैं और एक पर्सन जो होता है वो हैदर भाई के ऊपर गन जो है वो तान लेता है। अब ये देखने की देर होती है कि रजब भाई को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कुछ भी ले लो, कोई भी चीज ले लो, लेकिन ये जो गन वाली हरकत की है ये बहुत ही गलत की है, इसको हटाओ, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे फ्रेंड के ऊपर गन रहे और मैं यहां पर खड़ा रहूं। तो गन को निकाल दो और इस चीज को हटा दो, जो तुम लोगों ने मुझसे चाहते हो जो लेना चाहते हो तुम लोग ले लो, बेशक तुम्हारा जो दिल करता है तुम यहां से उठा के ले जाओ। लेकिन वो ये चीज हरकत नहीं करते, वो उनके उनसे की भी ले लेते हैं उनकी कार की, और जो कि रजब भाई अपनी कार को जहाज कहते हैं तो वो भी ले लेते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं और सैंडल्स भी उठा उठा के मारते हैं। और उसके बाद ये होता है कि वो ब्लॉग वहां पर खत्म हो गया था क्योंकि वो लोग इनकी कार भी ले गए थे और इनके सारे मोबाइल्स भी लेके डकी भाई भाग गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने भाई के साथ। अब उसके बाद ब्लॉग ये होता है कि जब ये दोबारा से इन्होंने ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया, तो बकौल इनके कि इन्होंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया अपने फ्रेंड के मोबाइल से।
अच्छा जनाब ये हो जाता है, अब फ्रेंड आ जाता है जो कि उनको पिक करने के लिए आता है, और बाद में सिचुएशन ये दिखाएगी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, बहुत ही परेशान हैं, हैदर भाई भी बैठे हुए हैं, डोगर भाई भी बैठे हुए हैं और रजब भाई खड़े हुए हैं और पसीनों पसीनी हुए हैं, यानी कि काफी धक्कम पेल, बहुत लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद इन लोगों का बहुत शोर शराबा मचा और उसके बाद रजब भाई जो थे वो वहीं खड़े रह गए और डकी भाई जो थे गाड़ी को ले गए अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ उनके मोबाइल्स भी ले गए और जितने उनके पैसे वैसे जो भी थे, और वो कह रहे थे कि हमारी और चीजें भी इसके अंदर थी जो कि वो ले गए। अच्छा जनाब अब यहां पर ये लोग कहते हैं कि हर चीज हमें बर्दाश्त हो सकती है लेकिन ये जो इन्होंने अपनी गन तानी थी हैदर भाई के सर पे वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी असना में इनका एक बड़ दोस्त था वो अपनी कार लेके आ जाता है, अब कार आती है और वो इसी असना में किसी पुलिस वाले को फोन कर देते हैं और करने के बाद वो जो थे वो रजब भाई के फ्रेंड थे उनको बुला लेते हैं, जिसपे रजब भाई बहुत गुस्सा करते कि ये उनको कॉल नहीं करनी थी, हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी थी, हम वैसे ही काम कर लेते। अब वो ये परेशान होते हैं मेरी गाड़ी भी ले गया, मेरी चीजें भी ले गया, मेरे मोबाइल भी ले गया, हर ईच एंड एवरीथिंग जितने भी मेरी कार में सामान था वो सब डकी भाई ले गए। अब ये लोग वहां पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर रिपोर्ट वगैरह जो है सबमिट होती है, उसके बाद ये लोग यहां से निकलते हैं। अब निकलने के बाद होता ये है कि इन लोगों को भूख लग जाती है, जबकि हमेशा आपको पता है डोगर भाई जो है उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, वो फौरन से कहते थे कि मुझे भूख बहुत शदीद लग रही है तो मेरे खाने का अरेंजमेंट करो। जैसे ही खाने का अरेंजमेंट वो आगे से हंसी मजाक करना शुरू हो जाते हैं, रजब भाई कहते हैं इतनी बड़ी रॉबरी होगी और तुम्हें अभी भी खाने की पड़ी हुई, तो वो कहते हैं कि अब हम भूखे तो नहीं मर सकते ना, ये उनका डायलॉग था डोगर भाई का। और उसके बाद ये लोग हंसते हैं और उसके बाद जो है खाना वगैरह आ जाता है और ये लोग खाना खाते हैं और उसके बाद ये सीधा अपने फ्रेंड को बट को कहते हैं कि हमें घर पे ड्रॉप कर दो क्योंकि मुझे अपनी मदर को और अपने फादर को भी बताना है कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ। ये लोग घर पहुंचते हैं, वहां जाके वो सारे जहां उनके कजन भी बैठे होते हैं और फिर अम्मी भी आ जाती हैं, तो वो कहती है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। अब ये बात होने की देर होती है कि वो वहां पर शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं कि क्या आई क्लाउड से मेरा डेटा रिकवर हो जाएगा, क्या हम लैपटॉप पे इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि वो भी अपना कोई क्लू जोड़ नहीं रहते कि कोई लोग ये ना समझे कि हम लोगों ने फेक की है फाइट या प्रैंक किया है। अच्छा जनाब होता ये कि रिकवर करने की बातें होना शुरू हो जाती है, तो वो उनके कजन कहते हैं कि जनाब हाँ जी हो जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत अगर डेटा आपके मोबाइल में था तो वो सारा और रिसेंटली जितना भी डेटा है वो रिकवर हो सकता है। तो ये बातें हो रही थी तो उनकी मदर आ जाती है, मदर को सारी बात बताई जाती है कि हमारे ऊपर डकी भाई ने अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद उन्होंने किया ये कि हमारी गाड़ी भी ले गए, हमारा जहाज भी ले गए, मेरे मोबाइल्स भी ले गए और जितनी भी चीजें थी पैसा सब कुछ वो लेके फरार हो चुके। तो मदर जो होती है बहुत हैरान होती है, परेशान भी होती है, आंटी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग यहाँ पर की है और उन्होंने बहुत ही जैसे कि एक मदर को अपना रोल अदा करना चाहिए अपने चिल्ड्रंस के लिए वो रोल उन्होंने बहुत ही बखूबी अदा किया और उन्होंने बात भी की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि जो तुम दोनों करना स्टार्ट हो गए, हम इस चीज को यहीं पर खत्म करते क्योंकि तुम भी मेरे बेटे और डकी भी मेरा बेटा और तुम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो यहां पर फाइट होनी अच्छी चीज नहीं है। अब इस चीज को मां बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर मदर जो होती है इनकी अम्मी जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही होती है और वो कहती है मैं खुद डकी को कॉल करूंगी और कॉल करके बात करूंगी कि ये चीजें अच्छी नहीं। उस पे जो है रजब भाई बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं हमेशा आप मुझे ही चुप करवा देते हैं जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होगी, अब मैं अपने अंदाज से देखूंगा और मुझे भी वैसे ही काम करना है जैसे कि हैदर के ऊपर सर पे इन्होंने गन रखी थी तो मैं भी इसका इसी तरीके से ही बदला लूंगा। मींस रिवेंज का काम स्टार्ट हो चुका है जनाबी आली और इस तरीके से मदर काफी ज्यादा समझाती है और वो कहते हैं कि उसकी जो टक्की की मदर है वो भी उसको समझाती है लेकिन तुम दोनों को पता नहीं क्या होता जा रहा है कि तुम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करने के बावजूद ये फाइटिंग करना स्टार्ट कर दिए। इस पर मदर बहुत ज्यादा समझाती है, फिर उनके फादर आ जाते हैं, फादर से भी डिस्कस करते हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि वाकई सही बात है हमारे घर से अंदर से ये चीजें उठा के ले गए तो ये चीज तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये सिलसिला यहां पर खत्म करने के लिए रजब भाई अपने व्लॉग का एंड करते हैं और कहते हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि हमको यहाँ पर रजब भाई जो है वो अपने ब्लॉग को एंड करते हैं और ये बात करके कि हम प्लान करेंगे और हम देखेंगे कि हम लोगों ने इस चीज को कैसे लेके चलना है, क्या हमें अपनी कार कैसे वापस लेनी, चीजें कैसे वापस लेनी है, क्या ये दोनों फ्रेंडशिप कर लेंगे या नहीं, ये डिस्कशन हो रही होती है। मदर तो पूरा टूली ये चाह रही होती है कि ये लोग फ्रेंडशिप कर लें और इस चीज को यहीं खत्म कर दें। अब बात ये आ जाती है, मैं इसका जो है दोनों चीजों का दोनों व्लॉग्स का आपको बता रही हूं कि इसमें हुआ क्या था बेसिकली। अब जहां तक बात रजब भाई के व्लॉग की आ जाती है इसका मैं ये बता देती हूं कि मैं अपना रिएक्शन ये देना चाहती हूं कि जनाब अगर फाइट होती है और कोई आप लोगों के ऊपर कार के ऊपर एकदम हमला कर देता है तो अव्वल तो कार अनलॉक नहीं होती, अनलॉक आप लोगों ने अंदर से की होती है, आप लोग अनलॉक करते हो तो कार ओपन होती है और फिर कोई हमला करता है आपकी कार के ऊपर या वो अंदर घुस जाता है धक्कम पेल करके। अगर आप लोगों ने अनलॉक कार नहीं की तो कार कैसे ओपन होगी और एकदम सब लोग अंदर से बाहर कैसे आ गए और बाहर के लोग अंदर कैसे आ गए, ठीक है। तो ये वाली बात होगी, हल्की फुल्की लड़ाई हुई उसके बाद जनाब कार भी चलेगी, सारी चीजें चलेगी और उसके बाद हम लोगों ने क्लिप में ये देखा था
कि ये लोग बैठे हुए हैं और ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके बाद अब जो व्लॉग आया है उसी दिन अगर फाइट हुई है उसी दिन रिकवर भी हो गया और फाइल भी डल चुकी है और पूरा व्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक बड़ा इजिली देखा है, स्मूथली देखा है। ठीक है जी, तो ये मेरा एक रिएक्शन है, आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने भी सोचा होगा इस व्लॉग को देख के, और थोड़ी सी हम लोगों को हंसी भी आ रही थी क्योंकि बहुत ही फनी सी फाइट थी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जब वो अटैक करते हैं वो एक फनी वे में उन्होंने अटैक किया। अच्छा जनाब, तो ये व्लॉग खत्म हो जाता है, इसके बाद आ जाते हैं जी डक्की भाई के व्लॉग के ऊपर, क्योंकि मुनीब उसका छोटा भाई है और डक्की भाई आप लोगों को पता है कैसे व्लॉग स्टार्ट करते हैं, शोर शराबा करके सलाम करने के बाद वो अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और उसके बाद नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद मुनीब जो उसका भाई है जो कि किडनैप किया था रजब भाई ने, वो मुनीब वहां पर उसको कहता है डक्की भाई को कि भाई आपने क्या करना है, रिवेंज कब करना है, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं, मेरी इंसल्ट हो रही है और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद जो डक्की भाई है वो कहते हैं ठीक है हम बाबा की तरफ चलते हैं, और बाबा क्योंकि उनका फ्रेंड है डक्की भाई का, वो वहां पर पहुंचते हैं और वहां जाके तो हम वहां पर जाके बात करते हैं और उसके बाद उनसे डिस्कस करते हैं कि आगे हमें क्या करना है, क्या हमें आज ही ये कार्रवाई करनी चाहिए क्या नहीं। दोनों भाई जो हैं कार के अंदर बैठते हैं और कार में बैठने के बाद अपने भाई के पास चले, दोस्त के पास चले जाते हैं जनाब, जो कि है इनका भाई भी बना हुआ, इनका दोस्त भी बना हुआ है बाबा। और बाबा के जैसे ही फ्लैट पे जाते हैं उससे डिस्कशन करते तो वो कहता है मैं तो रेडी हूं, और पहले से ही जनाब आप देखते हैं कि दो आदमी जब वो नीचे आते दो आदमी खड़े हुए हैं हेलमेट पहन के, और उसके बाद जो है ये लोग कार के अंदर बैठते हैं और वो कहते हैं कि जी मैंने तो राइफलें वगैरह पता नहीं क्या रखना है, वो भी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन डक्की भाई कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई काम नहीं करना, हम लोग इसी तरीके से चलते हैं और पहले उसके घर पे जाएंगे रजब के, वहां पर हमला करेंगे। और अगर इनका प्लान ये था कि ये लोग वहां से निकल रहे थे तो ये लोग प्लान ये कर रहे थे कि हम भी इनके घर में जाएंगे और इनके घर में जितनी भी चीजें होंगी उसको हम उठा लेंगे और हम एक रॉबरी कर लेंगे वहां से, ताकि इसको भी तकलीफ हो सके। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं सडनली इनका प्लान चेंज हो जाता है, रजब भाई कार के अंदर बैठते हैं और वो वहां से निकल रहे होते हैं तो ये इसका पीछा करते हैं, और पीछा करने के बाद रजब भाई का एक सुनसान जगह पे ये लोग कार को रोकते हैं, कार को रोकने के बाद उनको भी रोकते हैं और उनके ऊपर धावा बोल देते हैं और लड़ाई शराई होना शुरू हो जाती है। एकदम होता ये कि वो रजब भाई के ब्लॉग में जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि वो शोर शराबा मचता है कि हैदर भाई के ऊपर से गन हटाओ और जो भी लेके जाना है वो ले जाओ। इसी असना में जी जनाब ये लोग कार के अंदर भी बैठ जाते हैं और कार चल भी पड़ती है, शोर शराबा मचता है और रजब भाई वगैरह वहीं रह जाते हैं, और ये लोग जैसे ही कार के अंदर बैठते हैं अपनी फॉर्च्यूनर को भी चला के ले जाते हैं और ये भी ले जाते हैं, वो जो बंदे थे जो हमलावर थे वो भी कार में बैठ जाते, कुछ बाइक्स पे बैठ जाते और ये लोग वहां से रवाना हो जाते हैं और चले जाते हैं। अब हंसी मजाक चल रहा होता है इन लोगों का, जैसे ये लोग कार के अंदर बैठते हैं ये लोग कहते हैं कि लो इसको जहाज कहते हैं, ये तो कार स्पीड ही नहीं पकड़ रही, ना तो ये रेस पे पैर दे रहे हैं तो ये और स्लो हो जा रही है, मतलब कि स्लो होती जा रही है कार, और ये लोग उनकी कार का रजब भाई के जहाज का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो कार 3 करोड़ की, क्या ये तो 50,000 में भी कोई ना ले। ऐसे मजाक वगैरह हो रहा होता है तो रास्ते में एक मजदूर इनको नजर आता है कि जो कि आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि उस मजदूर से कहते हैं कि भाई ये गाड़ी लेनी है, तो वो कहते हैं नहीं साहब आप ही रखें, तो वो कहते हैं कि ले लो तुम कितने की लोगे 50,000 में ले लो, क्योंकि ये गाड़ी वो किसी और की नहीं है रजब की गाड़ी है, तो वो कहते हैं आगे से मजदूर के नहीं भाई आप ही रखें हमें जरूरत नहीं, तो उसको भी सिखाया होता है बेसिकली रजब भाई की इंसल्ट कर रहे होते हैं ये लोग, कभी कार को लेके कभी मजाक उड़ा रहे होते कभी कुछ कर रहे होते, फिर एक जगह जाके अपने घर से पहले ही ये कार को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ कार तो चल ही नहीं रही, या तो फ्यूल खत्म हो गया या फिर कार ही बकवास है, और ये कह के ये उतर जाते हैं और बाबा इतना गुस्सा करता है कि वो कार से उतर जाता है और पैदल चलना शुरू हो जाता है। तो ये डक्की भाई कहते हैं कि भाई आप लोग इकट्ठे आए हो तो क्यों आप मुझे इंसल्ट कर रहे हो, मेरे साथ बैठो, अगर हम जो चीज फेस करें आप भी फेस करो। तो डक्की भाई शोर मचाना शुरू कर देते, इसी असना में बाबा कार के अंदर बैठ जाते हैं और ये लोग कार को चलाना शुरू कर देते, कार वहां आगे जाके फिर बंद हो जाती है, तो दिखाया ये गया है कि कार को ये धक्का लगाते हैं और धक्का लगाने के बाद एक अपने घर के पास जाके गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। और उसी असना में मुनीब को ये कहा जाता है, बाबा ये कहते हैं कि अब तुम हैप्पी हो, हमने रिवेंज कर लिया है, अब तुम इजी हो के अपने पेपर्स दो, एग्जाम में कामयाब हो और अब हम तुम्हारे पेपर्स अच्छे चाहते हैं और अब हमें कोई भी तुम्हारा जो है बहाना नहीं चाहिए। ये मजाक मजूक होता रहता है और जो उनका मुनीब जो डक्की भाई का जो भाई है वो कहता है कि थैंक्स आप लोगों ने रिवेंज किया मेरी खातिर और आप लोगों ने ये सारा रिस्क लिया। एनीवेज जी इसके बाद होता ये कि ये कार से उतरते हैं और उसके बाद घर जाते हैं, घर जाके तो डक्की भाई अपने व्लॉग का एंड करते हैं और उसके एंड करने के पहले वो कहते हैं कि ये सारे मोबाइल्स आ गए हैं हम इसको अनलॉक करते हैं और अपना पासवर्ड लगाना शुरू करते थे, पासवर्ड लगा रहे हैं पासवर्ड लगा रहे हैं, लगाने की कोशिश कर रहे होते कि किसी तरीके से हम लोग मोबाइल को ओपन कर लें, और आखिर होता ये कि डक्की भाई मोबाइल ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं जनाब, और उसके बाद उनके डेटा जो है वो देखना शुरू करते थे और वो सरा
सर आप लोगों ने देखा है कि सारा मजाक हो रहा होता है, कोई उन्होंने दिखाया ये हमें स्क्रीन वगैरह बिल्कुल नहीं दिखाई और शो ये किया है कि ये लोग उनका पूरा डेटा देख रहे हैं, कहीं उनकी स्नैपचैट देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनकी चीजों पे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और कोई उनकी ऐसी पिक्चर भी निकाली जिसके ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा जो है मजाक करते हैं, जोक करते हैं और हंसते हैं। तो जनाब ये डक्की भाई का व्लॉग था और उसके बाद व्लॉग को करते हैं एंड और उसके बाद कहते हैं कि देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, क्या हम गाड़ी को सेल करते हैं या नहीं करते हैं। वायरल ये बातें उनकी चल रही थी तो जनाब इस तरीके से व्लॉग को एंड कर देते हैं डक्की भाई। अब डक्की भाई का अगर व्लॉग देखा जाए तो डक्की भाई हमेशा व्लॉग के जब ऐसा कोई व्लॉग डाल रहे होते तो स्टंट के बारे में बात की जाती है तो यहीं से पता चल जाता है कि ये सारा कुछ ड्रामा हो रहा है और ड्रामा क्रिएट किया गया है हम सबके लिए। वो एक वीडियो जो है कोलैब करते हैं और दोनों बनाते हैं और कोलैबोरेशन से ये लोग एक दूसरे को कंटेंट देने के लिए ऐसा व्लॉग बनाते हैं जिससे हम सब भी परेशान हों और हम लोग भी कहें कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो हमेशा की तरह ये दोनों के व्लॉग बहुत ही दिलचस्प रहे। लेकिन एक बात ये है कि रिएक्शन में ये देना चाहूंगी कि डक्की भाई का जो व्लॉग था वो सरासर एक हंसी मजाक वाला भी लग रहा था, बीच में उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें भी की थी जिससे हमें सब पता चल रहा था कि एक ये मजाक हो रहा है, प्रैंक हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा और एक फेक फाइट हो रही है और फेक रॉबरी हो रही है। ठीक है, इसके अलावा दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, रजब भाई ने भी बहुत मेहनत की है और डक्की भाई ने भी अपने व्लॉग पे बहुत मेहनत की है। बहुत अच्छा व्लॉग आप दोनों ने बनाया और जैसा कि हमेशा आप इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हम लोगों को व्लॉग आपका बहुत अच्छा लगा। तो आप सबने भी नोट किया होगा कि सब सरासर जो था एक ड्रामा था जो कि क्रिएट किया गया था, ये फेक फाइट थी और ये सब एक इन लोगों ने कोलैब करने के बाद ये एक व्लॉग दोनों ने बनाया था। ठीक है जनाब, तो ये था मेरा एक रिएक्शन सिंपल सा। दोनों फैमिलीज को मैं भी बहुत लाइक करती हूँ, आप लोग भी बहुत लाइक करते हैं, इसीलिए मैं इन लोगों की वीडियोज के ऊपर रिएक्शन देती हूँ और इनका खुलासा करती हूँ कि आप लोग भी इनके चैनल्स को भी देखें और मेरे चैनल को भी देखें और नेक्स्ट इनके व्लॉग में क्या होने वाला है वो भी मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी। तो उसके लिए करना पड़ेगा जनाब अब आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तब तक दें जी माय लाइफ की इजाजत, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़।